अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत आफिस से होंगे। आज मैं बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता, जिसके लिए मैंने चीज़ें ली हैं। पास्ता लिया है मैंने 2 कप लिए हैं, उसे बॉईल कर लिया है मैंने नमक डाल के, और शिमला मिर्च ली है मैंने 1 अदद, बिल्कुल बारीक बारीक काट लिए, छोटी छोटी ली थी, और प्याज ली है आधी ली है, इसे मैंने बारीक बारीक इसके भी पीसेस काट लिए हैं मैंने, और ये चीज़ ली है थोड़ी सी, और ये काली मिर्च पिसी हुई ली है मैंने 1/2 चम्मच, कुटी हुई मिर्च मैंने ली है 1/2 चम्मच, और ये ब्लू बैंड मक्खन है उसके मैंने 2 चम्मच लिए हैं, नमक लिया है हसबे जायका, और ये मैदा लिया है मैंने 2 चम्मच, और ये दूध लिया है मैंने 1 पाव। चलिए हम बनाते हैं वाइट सॉस पास्ता। कढ़ाई रख दी है मैंने, सिर्फ 1 चम्मच में ऑयल डालूंगी इसमें, और ये शिमला मिर्च, और ये प्याज है उसको भी डाल दूंगी मैं। सिर्फ हल्का फुल्का करेंगे ताकि ये नरम हो जाए। खुशबू आ रही है। हमारी शिमला मिर्च देखिए चटपट आ रही है यहाँ से वहाँ, और ये फिक्र है इसे बाहर निकलने की। चले हम मीडियम स्लो करके इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये मैंने शिमला मिर्च और प्याज को निकाल लिया है, और इसी कढ़ाई में मैंने बटर डाला है ब्लू बैंड, ये मेल्ट हो गया है, इसमें मैं मैदा डालूंगी और इसे पका लूंगी ताकि मैदे की स्मेल ख़त्म हो जाए। ये देखें 2 से 3 मिनट तक इसे भूनना है क्योंकि मैदे की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब ये हो चुका है, अब इसे मैं हल्की आंच करूंगी, और ये दूध है इसे आराम से मैं इसमें डालती जाऊंगी और इसे मेल्ट करती जाऊंगी। देखें गुठलियां नहीं बननी चाहिए इसकी, इसको पूरा मेल्ट कर दीजिएगा। ये देखें हमारा सॉस रेडी है, ये इसकी गुटियां वगैरह सारी गल चुकी हैं, ये मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे, टेवी मिर्च, काली मिर्च, ये नमक, और इसको मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये रेडी है हमारा, ये मैंने डाल दी है सब्जियां इसमें, इसको मिक्स कर दिया है। अभी पास्ता है, ये हम डालेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें वाइट सॉस पास्ता हमारे रेडी है। अब इसमें चीज़ डालूंगी मैं, इसके अंदर ही मिक्स कर दूंगी। ये हमारा बन गया वाइट सॉस चीज़ी पास्ता, ये रेडी है। अब इस फ्लेम को बंद करेंगे हम।
वाइट सॉस चीज़ी पास्ता तैयार है हमारी, और झटपट देखें 10 से 15 मिनट में रेडी है ये। आप खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और दुआओं में भी याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।